अलमैक फाइव क्लास बेटा आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ मैटर एंड चेंजेस इट्स स्टेट्स इन दिस यूनिट वी विल लर्न मैटर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट मेल्टिंग फ्रीजिंग बॉइलिंग वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एप्लीकेशन ऑफ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन इन नेचर यानी कि वाटर साइकिल अब इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले तो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे देन हम देखेंगे सोलिड लिक्विड और गैसेज में अरेंजमेंट पार्टिकल्स की किस तरह होती है फिर हम देखेंगे उनका हीट का जो है इफ़ेक्ट उन पर कैसा होता है देन हम ये देखेंगे कि इन स्टेट्स में कौन कौन से प्रोसेस है जैसे उन्होंने पहले से मैंशन किए हुए हैं कि मेल्टिंग आता है फ्रीजिंग है बॉइलिंग है वेपोरेशन और कंडेंसेशन इनके बारे में हम पढ़ेंगे देन हम लास्ट पर देखेंगे वाटर साइकिल को Let, now let's start our reading things all around us make up made up of matter matter has mass and occupies space different substances are made up of different kinds of matter the food we eat the water we drink and the air we breathe in all are examples of matter in this unit we shall study properties of different states of matter the arrangement of particles इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर विल आल्सो बी डिस्कस्ड सबसे पहले हमारे जितने भी इर्द चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी मैटर से मिलकर बनी होती हैं ठीक है जी अब मैटर होता क्या है मैटर किसी भी ऐसी चीज़ वो वाली चीज़ को बोलेंगे जिस जो कि है मांस भी रखती हो और स्पेस भी रखती हो अब डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट तरह के मैटर के मिलके बने होते हैं अब जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमें यहाँ पे जैसे कि हम जो खुराक है वो खाते हैं या पानी है वो पीते हैं या वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं ये सारी है, उन्होंने मैटर की एग्जाम्पल बताई हैं अब इस पूरे चैप्टर में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे उनकी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे दैन हम उनकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जी बेटा जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट लाइंस जो हैं आपको नजर आ रही होंगी कि मैंने हाईलाइट की हुई है डिफरेंट लाइंस अब आप क्या करेंगे अपनी बुक के ऊपर भी इसी तरह से अंडरलाइन करेंगे इन लाइन्स को और अच्छी तरह से अपने बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करके देन आप इसकी रीडिंग जो है वो करेंगे पूरे चैप्टर की अच्छी तरह से ठीक है जी स्पेशली अपनी जो वर्डिंग की प्रोनंसिएशन है उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है इसको बार बार पढ़ेंगे आप अपनी रफ़ कॉपी के ऊपर एम सी की प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोग साथ साथ ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा बाद में जी बेटा ये वो आपकी चीज़ें होगी जो आपने अंडरलाइन करनी है अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी बुक शॉट क्वेश्चन के ऊपर ठीक है वन बाय वन हम इसको पढ़ते जाएंगे और साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे सबसे पहले आता है आपको बुक शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट बनेगा वो ये होगा वाई सोलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉलीम आई एम रिपीटिंग वाई सोलड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉलीम सोलिड की फिक्स शेप और वॉलीम क्यों होता है इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे ब्रैकेट बना लेंगे जो जो लाइन्स मैं रिपीट करूँगी द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सबस्टांसिज आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर दीज आर अरेंज इन एन ऑर्डर यहाँ तक करेंगे आप देन उसके बाद लिखेंगे डैट इज़ वाई सॉलिड है फिक्सड शेप एंड फिक्सड वॉलीम यह होगा आपका पहला बुक शॉट क्वेश्चन सेकेंड बुक शॉर्ट क्वेश्चन पर आ जाएँगे आप? आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड बनेगा वाई लिक्विड है फिक्स वॉलीम बट नो फिक्स्ड शेप कि आपके जो लिक्विड है उसका फिक्स वॉल्यूम तो होता है बट उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, वो क्यों इसका आंसर नोट डाउन करेंगे आप साथ साथ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड सब्सटांसिस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट अरेंज इन एन ऑर्डर क्या आपके जो लिक्विड के सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज तो होते हैं लेकिन वो एक ऑर्डर में अरेंज नहीं होते यहाँ तक करेंगे आप ब्रैकेट बना लेंगे इसकी देन नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके बाद लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिल के दूसरा हम लिक्विड को ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते यानी कि उनको ईजीली पुश प्रेशर नहीं डाल सकते उनको दबा नहीं सकते हम इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सो so, देन आप मेंशन करेंगे लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट फिक्स्ड यहाँ तक ये यह आपका दूसरा बुक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड बुक शॉर्ट क्वेश्चन पे एंड दैट इज़ वाइड गैसेस टू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉलीम के जो हमारी गैसेस हैं उनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही उनका फिक्स्ड वॉलीम होता है इसका रीज़न क्या है अब इसका आंसर आप नोट डाउन करें द डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर दैन दूस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कि जो आपका गैसेज का डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स का सॉलिड और लिक्वड की नस्बत इनका ज़्यादा होता है गैसेज में ठीक है जी दे ओक्योपाई ऑल अवेलेबल स्पेस और जितनी भी इनको स्पेस प्रोवाइड की जाती है ना वो सारी की सारी स्पेस जो होते हैं वो ओक्योपाई कर लेते हैं दैन अब उसके बाद सेम एज इट इज़ लिखेंगे सो एंड देन आप लिखेंगे आप लिखेंगे गैसेज हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉलीम इसी वजह से उनकी ना तो फिक्स शेप होती है ना उनका कोई फिक्सड वॉलीम होता है ओके स्टूडेंट बेटा आप हम नेक्स्ट बुक शॉट क्वेश्चन पर आ जाते हैं डेट इज़ वाई थिंगस एक्सपेंड ऑन हीटिंग जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो फैलती क्यों है इसका आंसर नोट डाउन करेंगे आप वेन हीटेड द पार्टिकल्स गेन अनर्जी जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो अनर्जी गेन करते हैं अनर्जी लेना शुरू कर देते हैं मूव फास्टर एंड मूव अवे फ्राम ईच अदर एक दूसरे से दूर जाते हैं और तेज़ मूव करना शुरू कर देते हैं दैट इज वाई थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग इसी वजह से चीज़ें जो है वो गर्म करने पर फैलती हैं ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा नेक्स्ट पे आ जाए आप नेक्स्ट इज वाई थिंग्स कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग कि चीज़ों को ठंडा करने पर वो सुखड़ती क्यों है कि आपस में कट्ठी की हो जाती हैं इसका आंसर लिखेंगे आप ऑन कोलिंग द पार्टिकल्स लूज़ अनर्जी कि जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसके जो तो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अनर्जी निकलना शुरू कर देती है वो अनर्जी अपनी लूज़ करना शुरू कर देते हैं देअर मोशन बिकम स्लोअर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम आर डिक्रीज एक तो उनकी मोशन जो है वो कम हो जाती है और दूसरा उनका डिस्टेंस भी आपस में वो कम होना शुरू हो जाता है दैट इज़ बाय थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कोलिंग इसी वजह से चीज़ों को ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं सूख जाती हैं अगर okay, जी नेक्स्ट हमारा बुक शॉट क्वेश्चन है वट इज़ वाटर साइकिल क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज वाटर साइकिल तो इसका आंसर आप लिखेंगे सी रिवर लेक केनाल पोन ई आर कॉल्ड वाटर बॉडीज द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द एटमॉस्फेयर एंड इट्स टर्न रिटर्न बैक इज कॉल्ड वाटर साइकिल कि जब एक दफ़ा पानी जो होता है वो पानी वाली जो बॉडीज़ होती हैं उनसे निकल के एटमोसफियर में जाए और वापिस वहीं पर आ जाए तो ये पूरा एक साइकिल की तरह हमारा प्रोसेस चलता है इसीलिए इसको वाटर साइकिल बोलते हैं ये आपका आंसर होगा नेक्स्ट आपका बुक शॉट क्वेश्चन बनता है बेटा वाई डज कंप्रेसर वॉक हाउ डज सॉरी हाउ डज कंप्रेसर वर्क कंप्रेसर जो होता है वो किस तरह काम करता है एंड आंसर इज द कंप्रेसर इन द ए सी एंड रेफ्रिजरेटर्स ए टी सी कंप्रेस द गैसेज टू चेंज दैम इन टू देर लिक्विड स्टेट तो जो कंप्रेसर होता है जो ए सी में या रेफ्रिजरेटर में हमारा यूज़ होता है वो गैसेज को कंप्रेस <g raspberry> करता है और उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है लिक्विड फॉर्म में ओके जी नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी भी आ जाते हैं डेट इज़ फोर पॉइंट वन चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन इज मैटर हैज़ एंड ऑप्शन आर नो मैथ्स बट ऑकुपाइज स्पेस मैथ्स बट ऑक्युपाइज नो स्पेस मैथ्स एंड ऑकुपाइज स्पेस नो मैथ एंड ऑक्युपाइज नो स्पेस एंड द राइट ऑप्शन इज सी क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं आपको कि मैटर ऑकुपाई स्पेस एंड हैव मैथ्स तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो राइट right ऑप्शन होगा हमारा सेकेंड हमारा है असोलिड हैज एंड द ऑप्शन आर maximum spaces between the particles definite shape but no definite volume maximum force of attraction between particles definite volume but no definite shape and as you know solid has maximum force of attraction between the particles and c jo hoga is ka right option hoga. नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड के गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं एंड ऑप्शन आर कंडेंसेशन इवेपोरेशन फ्रीजिंग बॉयलिंग एंड द राइट आंसर इज ए कंडेंसेशन द प्रोसेस बाई विच वेट क्लोथ ड्राई अप इज़ कॉल्ड वो वाला प्रोसेस जिससे हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं वो अमल क्या होता है मैटर चेंजेस फ्राम वन स्टेट टू अनदर विद चेंज इन अब मैटर की जो स्टेट होती है वो चेंज होती है एक से दूसरी जगह में उसका आंसर कह दी पहले हम इसके ऑप्शन से देख लेते हैं टेम्परेचर प्लेस वॉल्यूम शेप के मैटर की जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंजेस आती है वो किस वजह से आती है द राइट ऑप्शन इज ए टेम्परेचर नेक्स्ट इज वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर एज के पानी जो होता है वो हमेशा किस हवा में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड द ऑप्शन आर फोक क्लाउड फॉरेस्ट एंड वेपर्स एंड द राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन वेपर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू बॉयलिंग बॉयलिंग का ऑपोजिट क्या होता है जो हमारे ऑप्शन है वेपोरेशन फ्रीजिंग मेल्टिंग कंडेंसेशन एंड द राइट ऑप्शन इज़ दी कंडेंसेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम अपनी फीलिंग दी ब्लैंक्स पेपर द नंबर वन इज लिक्विड दिस इज कॉल्ड डैश एंड द राइट आंसर इज अ वेपोरेशन सेकेंड वन इज बाय एडिंग और रिमूविंग डैश वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर कि किसी चीज को एड या रिमूव करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है और डेट इज टेम्परेचर थर्ड वन इज इन अ डैश स्टेट द पार्टिकल टूसली हैल्ड एंड द मैटर मैटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर एंड द राइट ऑप्शन इज लिक्विड नेक्स्ट इज इन अ डैश स्टेट पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगैदर एंड द मैटर कैन नॉट इजली चेंज इट्स शेप एंड द राइट ऑप्शन इज सॉलिड नेक्स्ट इज डैश इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस वैन अ लिक्विड चेंज इन टू अ सॉलिड क्या जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एंड द आंसर इज फ्रीजिंग नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम अपनी एक्टिविटी है हमारी फोर पॉइंट थ्री स्टेटमेंट इज सेलेक्ट द प्रोसेस फ्राम द लिस्ट गिवन बिलो एंड इट अगेंस्ट द फिनोमिना वेयर देर वेयर इट इज़ इन्वोल्व डरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द फिनिना मे इन्वॉल्व मोर दैन वन प्रोसेस नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड uh, बैंक दिया हुआ आपको उन्होंने इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि इनमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट वन इज ड्राइंग ऑफ क्लोथ एंड डैट इज इवेपोरेशन फॉर्मेशन ऑफ ड्यू में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कंडन डिस्टिलेशन में हमारा प्रोसेस होता है जो वेपोरेशन इन्वॉल्व प्रप्रेशन ऑफ आइसक्रीम आइसक्रीम में हमारा होता है फ्रीजिंग बर्निंग ऑफ कैंडल में मेल्टिंग रेन में कंडेंसेशन, स्नोफॉल में फ्रीजिंग कुकिंग में कंडेंसेशन, बॉलिंग बोथ एयर कंडीशनिंग में एयर कंडीशनिंग में होता है जी हमारा वेपोरेशन नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम अपने रिटर्न वर्क की तरफ आपको जैसे नज़र आ रहा है कि आपने भी अपनी इसी तरह नीट कॉपी जो है वो रेडी करनी है प्रॉपर मार्जिन लाइन लगानी है अपनी डेट डे दे, क्लास वर्क टॉपिक आंसर दिस क्वेश्चन इवन हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन प्रॉपर रेडी करके देन आप अपने क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ठीक है जी चलिए जी हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज मैटर मेंशन द स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर क्या है और इसकी स्टेट्स के बारे में बताना आंसर है हमारा मैटर हैज़ मैस एंड ऑकुपाई स्पेस मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट तीन स्टेट होती हैं जिनके नाम क्या हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस सेकेंड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉयलिंग एंड ए ऑफ अ लिक्विड अब आपको जैसे पता है जब भी हम किसी दो चीज़ों का डिफरेंस लिखते हैं तो हमेशा मिड में उसकी मार्जिन लाइन लगाते हैं मैं नाम मेंशन करते हैं कि किस किस का हम डिफरेंस लिखने हैं और काउंटिंग नंबरिंग के साथ हम उसकी उसका डिफरेंस जो है वो लिखते हैं सबसे पहले आते हैं बॉयलिंग पे बॉयलिंग का फर्स्ट नंबर क्या है उसका डिफरेंस द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इंटू गैशियस स्टेट इन फॉर्म ऑफ वेपर इज कल्ड बॉयलिंग किसी भी लिक्विड का गैस, गैसियस गैशियस कंडीशन में चेंज हो जाना किसी केम में वेपर्स के फॉर्म में उसको हम बोलते हैं बॉयलिंग वेपोरेशन का इसका क्या होगा जी द चेंज ऑफ लिकुड स्टेट ऑफ मैटर इन टू गैशियस स्टेट विदाउट बॉयलिंग इज कल्ड वेपोरेशन के बॉयलिंग के बगैर लिकुड का गैस में कन्वर्ट हो जाना उस कंडीशन को हम कहते हैं वेपोरेशन देंकेंड डिफ्रेंस इज़ बॉयलिंग रिक्वायर हाई टेम्परेचर बॉयलिंग के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए नेक्स्ट हमारा जी इवेपोरेशन इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे आ सकता है हो सकता है नेक्स्ट आता है जी बॉयलिंग का डिफरेंस ऑन बॉयलिंग लिक्विड बिगिन टू चेंज इनटू वेपर और गैस जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे वेपर में या गैस में एवेपोरेशन का डिफरेंस है जी लिक्विड वाटर गोज़ इन टू द सराउंडिंग एयर एज वाटर वेपर सो जो हमारा लिक्विड है वो बगैर किसी टेम्परेचर दिए क्या होता है जी वो ख़ुद ब खुद ही एयर में चला जाता है किसकी फॉर्म में वाटर वेपर्स की फॉर्म में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी व्हेन डज मैटर चेंज इज स्टेट आंसर है मैटर चेंज इट स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग है मैटर की जो स्टेट होती है वो कब चेंज होती है जब उसको गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डू सॉलिड डिफर फ्रॉम लिक्विड विद रिगार्ड टू पार्टिकल अरेंजमेंट पार्टिकल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंस बताना है सॉलिड और लिक्विड का सबसे पहले सॉलिड का डिस्कस कर लेते हैं द पार्टिकल्स आर अरेंज इन ऑर्डर द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड दे हैव स्ट्रॉन्ग अटेक्टिक फोर्सेज सबसे पहले तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं ऑर्डर में और टाइटली पैक्ड होते हैं और दूसरा उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉग होती है नेक्स्ट हमारा लिक्विड द पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन एन ऑर्डर द पार्टिकल्स आर लूजली पैकड दे हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज द पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एक ऑर्डर में अरेंज नहीं होते और दूसरा लूजली पैक्ड होते हैं और थर्ड इनका डिफरेंस है कि उनके दरमान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब वट है सॉलिड इज हीटेड के सॉलिड को जब हीट करते हैं तो क्या होता है इसका आंसर आएगा वैन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर स्पेसिस बिटवीन दैम इंक्रीज एंड दे बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम इच अदर जब हम किसी सोलड को गर्म करते हैं तो उसकी पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेशन शो करते हैं उनके हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी वाई डज़ एन आइस क्यूब मेल्ट एट रूम टेम्परेचर की कोई आइस क्यूब्स होता है वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट क्यों हो जाता है एंड आइस क्यूब मेल्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज द हीट एनर्जी इज अब्जोर्व बाय द आइस क्यूब फ्रॉम द सराउंडिंग नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वेपोरेशन और कंडेंसेशन का डिफरेंस बताना है इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं वेपोरेशन का द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इट्स मेटर स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड वेपोरेशन इट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेमपरेचर पर हो सकता है हमारा वेपोरेशन कंडेंसेशन पे आ जाए द चेंज ऑफ गैशियस स्टेट ऑफ मैटर इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन इट टेक प्लेस एट सर्टन टेम्परेचर और सिर्फ ये एक एक आप ये कह सकते हैं एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कंडेंसेशन का अमल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द पार्टिकल्स अरेंज इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर के मैटर की तीनों जो स्टेट हमने लो सॉलिड लिक्विड गैस पड़ी थी इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है सबसे पहले आते हैं सॉलिड पे द पार्टिकल्स आर टाइटली पैकड दे आर अरेंज इन एन ऑर्डर लिक्विड का है जी पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर बट आर नॉट अरेंज इन एन ऑर्डर क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे के क्लोज होते हैं बट वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज नहीं होते एक ऑर्डर में गैसिस का है जिदा पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन आल डायरेक्शन एंड ऑकुपाई आल अवेलेबल स्पेसिस कि जो गैस की पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और जितनी भी स्पेस हो गई वो सारी की सारी ऑकुपाई कर लेते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवी मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग फ्रीजिंग और मेल्टिंग का डिफ्रेंस लिखेंगे सबसे पहले आते हैं मेल्टिंग पे द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मेटर इन टू इट्स लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स बिकम फास्टर कि जो सॉलिड्स है हमारा लिक्विड में कन्वर्जन होती है वो मेल्टिंग होती है और इसमें वाइब्रेशन जो होती है पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है फ्रीजिंग का है जी द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इंटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग के लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स भी कम स्लोर इसमें आहिस्ता आहस्ता पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है वो कम से कम होती जाती है नेक्स्ट बेटा आपकी बुक के ऊपर ही है आपकी मिनी एक्सरसाइजेज हैं ठीक है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले देखें जी ये हमारा क्वेश्चन है मर्करी इन द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर एक्सपैंड्स व्हेन प्लेस अंडर अ परसनस आर्म पिट और टंग वॉय इसका आंसर करेंगे आप बिकॉज द एटम गेन हीट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था उन्होंने क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि जब जो बल्ब होता है थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी उन्होंने भरा होता है जब हम किसी पर्सन के आम या पिट वगैरह में उसको प्लेस करते हैं तो वो एक्सपेंड क्यों होता है और इसका रीज़न ये होता है कि जब एटम्स होते हैं वो हीट एनर्जी गेन करते हैं तो वो वाइब्रेशन शो करते हैं जब वो वाइब्रेशन करते हैं तो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं और ये जितनी भी मिनी एक्सरसाइज है ये सारी की सारी आप अपनी नीट कॉपी के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखेंगे ठीक है जी नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है जी एन इन्फ्लेटेड बलून प्लेसड इन द सन बस्ट आफ्टर सम टाइम वाई के जब हम किसी बलून को धूप में रखते हैं थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद ही फट जाता है उसका रीज़न क्या होता है आउटसाइड द टेम्परेचर इज़ हाई एंड ड्यू टू डैट काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज बाय कंटिन्यूस एक्सपेंडिंग इट बस्ट कि जो बाहर का टम्पेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और बार बार वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं एटम्स जब वो एक्सपैंड होते हैं जब उनकी लिमिट खत्म हो जाती तो है, 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 है।, है ना तो फिर क्या होता है वो बलून जो होता है वो बस्ट हो जाता है फट जाता है लास्ट हमारा जो मिनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो ये है व्हाट है टू आइसक्रीम व्हेन इट इज़ केप्ट आउट ऑफ फ्रीज़र के जब हम आइसक्रीम को फ्रीज़र के बाहर रखते हैं तो क्या होता है इसका आंसर लिखेंगे आप ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर आइसक्रीम स्टार्ट्स मेल्टिंग के टेम्परेचर इनक्रीज़ होने की वजह से आइसक्रीम जो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं पूरे चैप्टर के यहाँ आपके मिनी एक्सरसाइज हैं एक्सरसाइज हैं या बुक के अंदर हैं बुक शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको ए टू जी आप अच्छी तरह से समझेंगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे देन अपनी नीट कॉपी पे बकायदा नीट राइटिंग में आप मेंशन करेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे ठीक है